कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल, आप अच्छे होगे। आज आज वो क्लास आ गया जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, याद पारो, हम जो है आपको एक फॉर्मूला, जो पॉलिनोमियल में भी फॉर्मूला बोल बोल के आपको परेशान कर दिए थे। कल के क्लास में भी वो फॉर्मूला आपका आ गया था, और आज भी हम उस फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं। वो प्यारा सा फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे, भैया वो प्यारा सा फॉर्मूला क्या था जिसके बारे में आप हमको पॉलिनोमियल्स में भी बताए थे, कल के क्लास में बोले थे, और कल के क्लास के अंतिम अंतिम होते होते भी आप उस फॉर्मूले का जिक्र किए थे कि हाँ, इस फॉर्मूले को याद करके आना है। वो प्यारा सा फॉर्मूला जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते, उस फॉर्मूले का नाम ही हो गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। उस प्यारे से फॉर्मूले का ये रूपरेखा है, ध्यान से समझोगे। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax2 + bx + c, अगर इसमें इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हमको इसमें एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो सिंपल सा हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले। आप बोलोगे, भैया ये तो फॉर्मूला हमको काफी दिन से, हाँ जी, लगभग लगभग पॉलिनोमियल में दोहराए थे आप इसी फॉर्मूले के बारे में, x बराबर बोलिएगा -b + -√_b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला जैसे आप देखोगे तुरंत आप बोलोगे, भैया ये फॉर्मूला तो आप हमको पॉलिनोमियल में भी जो आप बता रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, वहां पर भी ये फॉर्मूला आप बताए थे कल के क्लास में, वहां पर भी ये फॉर्मूला आप हमको बताए थे, और अंतिम अंतिम होते होते वहां पर भी ये फॉर्मूला तीसरी बार बता दिए थे, लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ है। आपसे उम्मीद था हमको ये कि आपको याद नहीं हुआ होगा। इस फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये टर्म है, रूट के अंदर वाला टर्म, जिसको हम लोग b² - 4ac के रूप में देख रहे हैं, है ना? b² - 4ac दिख रहा है आपको? हाँ जी, इसका एक नया नाम है भैया, सुनिए ना, आप नामांकन मत किया कीजिए, क्योंकि आप ऐसा ऐसा नामांकन करते हैं ना जो सर के ऊपर ही जाता है। नामांकन कर रहे हो, ध्यान से समझोगे, श्री श्री 108 भैया जी महाराज जो है इस b² - 4ac का एक नया नामकरण करने वाले हैं। उस नामकरण पर गौर फरमाइएगा, b² - 4ac, इस प्यारे से टर्म का आज हम लोग एक नया नाम, इसको एक नया नाम देने वाले हैं। जैसे मैंने इस फॉर्मूले को एक नया नाम दिया था, उस प्यारा सा नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब भी हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता, आपको तुरंत बोलना है हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होगा। अगेन, लेकिन आज हम लोग इसको एक नया नाम देने वाले हैं। भैया नया नाम दीजिएगा आप? हाँ जी, नया नाम देंगे, और वो प्यारा सा नाम है, इसको आज से हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ओके, आज से इसका नाम ही पड़ गया डिस्क्रिमिनेंट। चलो, कैसा लगा आपको नाम, जल्दी बताओगे? भैया नाम तो बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन ना भैया इतना सॉल्व करते समय लिखेंगे तो ठीक ना रहेगा। अच्छा, आपके फरमाइश पर इसका एक शॉर्ट नाम भी रख देते हैं, ठीक है? आज से इसको सिर्फ और सिर्फ आप डी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डी। चलो यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल डी बराबर, स्मॉल डी ने कैपिटल डी बोलो छाएगा आपके लिए, ठीक है? इसको आप कैपिटल डी बोलो, कैपिटल डी बराबर b² - 4ac। अब खुश अर्थात डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डी भी बोल दिए। अब तो आपको लिखने में भी आसानी होगा और याद करने में भी आसानी होगा। भैया इसी तरह हम सबका शॉर्ट फॉर्म बताया कीजिए हमको। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे आप, पहले इसको आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से इसको नोटबुक में लिख लो कि डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग b² - 4ac बोलते, और इस फॉर्मूले को भी लिख लो, हो सके तो 3 से 4 बार अभी फॉर्मूले को पढ़ लो, और हो सके क्या इसको याद ही कर लेना है। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? समझ में आ गया होगा? हाँ जी, हमारे सामने एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, 3a 3x². अच्छा, इस क्वेश्चन को देख करके क्या आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो है a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है? अभी तक हम लोग जो इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, वो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन पढ़ रहे थे जनरल फॉर्म। अगर हम दोनों को कंपेयर करने के लिए कहेंगे तो आप तुरंत बोलोगे, भैया जो भी x² का जो भी कोफिशियंट होगा वो मेरा a का वैल्यू हो जाएगा, जो भी x का कोफिशियंट होगा वो मेरा b का वैल्यू होगा, और जो मेरा कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो मेरा c का वैल्यू होगा। ये तो हम लोग जानते ही है, हाँ जानते हैं, बस वही चीज यहाँ पर लिखना है। आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप सिंपल सा बोलोगे, यहाँ पर लिखते समय बोलोगे गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, तुरंत बोलोगे 3x² + 6x + 5 = 0। ये हमारे सामने इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में a का मान क्या है, b का मान क्या है, और c का मान क्या है, अगर ये पता कर लोगे बहुत मजा आ जाएगा। हाँ भैया, a का मान सिंपल सा, जो x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग a कहेंगे,
जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसको हम लोग बी कहेंगे, जो सिंपल सा कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग सी कहेंगे। ये तो हम लोग जानत ही है, अगेन 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 समझने का प्रयास करोगे। अगर हम कहें क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम बोले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, मतलब डी का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो किस प्रकार निकालोगे? सिंपल सा आप बोलोगे, भैया हम जानत है डी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं डी का फॉर्मूला, मेरे साथ पांच बार दोहराओगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। भूलिएगा डी बराबर क्या होता, मन में दोहराना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लिखो लिखो अपने मन से लिखने का, एक से दो बार लिखने का प्रयास करो, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। आराम से यहाँ डी का फॉर्मूला पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और जो हमारा प्यारा सा बी का वैल्यू है सिक्स, बी के जगह पर पुट करेंगे सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर गुना ए का मान है थ्री, थ्री गुना सी का मान है फाइव। आराम से इसको सॉल्व करो और बना लेना है। अब देखो छह का स्क्वायर छत्तीस माइनस चार गुना तीन गुना पांच करेंगे, चार पंचे बीस, बीस दिया साठ। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ से और पता चल जाएगा कि डी का वैल्यू क्या हो रहा है। तो छत्तीस माइनस साठ करेंगे तो क्या होगा भैया, मेरे प्यारे भैया, इसका मान चौबीस हो जाएगा, माइनस चौबीस हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्यारा सवाल था। इस तरह आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखना होगा, किस प्रकार से डी का वैल्यू निकालते, तो डी का मान निकालना सीखे हो भैया। आसान ही तो देखने में लग रहा, लेकिन दो तीन क्वेश्चन हम ना बनाया ना तो मजा ना आया। अच्छा 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 लगा, बस इसी तरह आपको बोलना है भैया मजा ना आया, हम पांच छह क्वेश्चन और दे देंगे, ठीक है। यहाँ देखो आपके सामने बहुत प्यारा सा पहला क्वेश्चन है, देखोगे ध्यानपूर्वक, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अगेन दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस नाइनटीन इक्वल टू जीरो। अगेन पांचवा नंबर क्वेश्चन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। छठा नंबर क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सातवां नंबर क्वेश्चन, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। चलिए इसको बारी बारी से आप बनाइएगा, हम भी बनाएंगे आप भी बनाओगे। अब हम लोग जो है ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम, कहीं कहीं से कोई कोई सा क्वेश्चन लेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हाँ भैया डी का वैल्यू फाइंड करना है, अच्छा बात है, अच्छा है, डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स नहीं है, यहाँ पर सी एक्स है, माइनस बी इक्वल टू जीरो। पहले आप बनाओगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पांच सेकंड का समय दे रहे हैं, वीडियो रोको और बना, बन गया होगा। यहाँ देखो हमको जो इक्वेशन दिया हो, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन में ए का वैल्यू क्या होगा, तुरंत बोलोगे भैया जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए का मान हो गया, जो एक्स का कोफिशिएंट हो गया वो बी का मान हो गया, जो कांस्टेंट हो गया वो मेरा सी का मान हो गया। सिंपल सा हम फॉर्मूला पुट किए हैं, अब फॉर्मूले पर सब का वैल्यू पुट करेंगे, अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पर ध्यान देना है, बी का मान सी है तो यहाँ सी हो गया माइनस फोर, ए का मान ए है तो ए ही रह गया, ठीक, सी का मान माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी आ गया, और क्या ही करना था, सब सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ सी स्क्वायर हो गया, सबको मल्टीप्लाई करना है तो फोर ए और पी मल्टीप्लाई हुआ तो फोर ए पी हो गया, यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लीज बन गया, और क्या ही आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा प्यारा आंसर आ रहा है, आराम आराम से बन रहा है। चलो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट से उतार लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया होगा, क्वेश्चन ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर अगेन प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हमारे सामने ये इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट बताने वाले हैं। चल डिस्क्रिमिनेंट कैसे ही निकालेंगे, सिंपल सा क्या इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम ये पता करेंगे आखिर ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है, ओके समझना है। इसमें ए का मान है, जो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा वो ए का मान हो गया,
ठीक है। अब इन बी का मान क्या है, जो एक्स का कोफिशियंट होगा वो मेरा बी का मान होगा ए प्लस बी। सी का मान क्या है, जो मेरा सिंपल सा कांस्टेंट टर्म रहेगा वो मेरा सी का वैल्यू हो गया। अब हमारे पास ए बी और सी पता है तो क्या करना है, आराम से हम लोग ए बी सी पता है आराम से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर b का मान क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगेन a का वैल्यू पता है हमका और c का मान हमें यहां दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। इस सब को सॉल्व करेंगे और क्या ही करना है, पहले मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर किए दे क्या सॉल्व किए देते हैं कैसे ही रहने दे, ना 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 सॉल्व करेंगे पहले a प्लस बी का, आप खुद से नहीं बना रहे हो, ना 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 ये ना चलो, पहले खुद से सारा क्वेश्चन बनाओगे, ओके खुद से बनाओगे, मजाक नहीं करते ना, मजाक करोगे पता है ना क्या होगा। हाँ जी यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे भैया, फॉर्मूला तो हमका कूट कूट के पता है। हाँ जी ये फॉर्मूला हम बचपन से जब हमका मैथ हम पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए थे ना तब से ये फॉर्मूला हमका याद है बहुत अच्छे। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिए, इसके बाद हम लोग माइनस का माइनस लिखे, फोर का फोर लिखे, ए माइनस बी का ए माइनस बी लिखे और वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वही नंबर आता है, बस वही लिखे हैं। और ये सब मल्टीप्लाई को हाइड एंड सीक कर दिए, मतलब हम छिपा दिए, जिस प्रकार मैथ हमारे सामने मल्टीप्लाई को छिपाता है हम भी उसी प्रकार मल्टीप्लाई को छिपा दिए मैथ को परेशान करने के लिए। मजा आ गया मैथ को परेशान करके, मुझे पता है आपको मैथ को परेशान नहीं, आप मैथ से परेशान हो कोई बात नहीं, यहाँ देखो ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस फोर है यहाँ प्लस फोर भी होगा, सॉल्व होगा नहीं लेकिन हम लोग वहां तक सॉल्व कर देते हैं। ठीक तो करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए प्लस फोर बी, बस यही भी कैसे हुआ पता चला, फोर ए गुना फोर गुना ए फोर ए माइनस माइनस फोर ए फोर गुना बी फोर बी माइनस गुना माइनस प्लस, बस इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते, फिर भी समझ में नहीं आया होगा पूछ लियो भैया कैसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब जो है इसमें से सारा क्वेश्चन आप बनाओगे ये आप खुद से बनाओगे पांच नंबर, अब जो बची गया छह नंबर सात नंबर चार नंबर वो बनाने से पहले हमारे प्यारे से वाणी को सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा उसको समझने से पहले हम एक क्वेश्चन बता ही देते हैं, वो प्यारा सा क्वेश्चन है चार नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये कैलकुलेटिव लग रहा है हमें, आप इसमें परेशान हो जाओगे इसलिए हम इसको बताएंगे अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है कहीं कोई समस्या ना होगा आपको, आप परेशान ना हो। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, कृपया करके इस क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, धन्यवाद। प्रश्न 19=0, इस क्वेश्चन को देखोगे और देखना नहीं, इसको पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे और उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को आप तो सीख गए होगे डिस्क्रिमिनेंट निकालना। जैसे ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख जाएंगे वैसे ही उसके आगे कुछ और बेहतर बेहतर काफी कुछ सीखने वाले, ओके तो हम तब तक इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको हम तीन वर्ड दे रहे हैं, रियल नंबर, भैया जी रियल नंबर हमका पता है क्या होता है, अच्छा ठीक है रियल नंबर तो समझ में रखोगे, अगेन बस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्या मैंने बोला इमेजिन करना होता है ना, बस इमेजिन ध्यान में रखना, इमेजिनरी नंबर ये ध्यान में रखना है और रियल नंबर ध्यान में रखना, ओके दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके ठीक। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हमारे सामने इक्वेशन दिया हुआ है 7x² + 14x + 19=0, इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशियंट होगा वो a का वैल्यू हो गया, जो x का कोफिशियंट होगा वो मेरा b का वैल्यू होगा और जो सिंपल सा 19 है वो मेरा c का मान है। अब यहाँ से a b और c हमका पता है, अब हम क्या ही करेंगे, अब सिंपल सा b स्क्वायर माइनस 4ac करने वाले, b का मान क्या है 14 है तो 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c, a का मान 7 है c का मान 19 है, बस ये सिंपल सा हम लोग काम करते। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, भैया सॉल्व किए देते हैं 96 से ना माइनस 28 गुना 19 देखना मल्टीप्लाई गलती ना हो जाए 532 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 6 अगेन 3 अगेन 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 3 माइनस 3 6 ये प्यारा सा मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब हमें ये बताओगे आपके सामने तीन ऑप्शन दे रहे हैं, बताओगे कौन सा सही है, यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है क्या वो जीरो से बड़ा है, क्या वो जीरो से छोटा है, क्या वो जीरो के बराबर है, ये बताओ। यहाँ तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बताना है आपको, क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है,
या डिस्क्रिमिनेंट जीरो से लेस देन है या डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो के इक्वल है, तीनों में से कौन सा कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा है? आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ -3, 3, 6 है। एक बार जान लो, ये तीन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ध्यान से अब इसके बाद से देखना। अभी तक आपको बस इतना ही पता था कि भैया हाँ कुछ फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो फॉर्मूला देख लिए, लेकिन उस फॉर्मूले से एक्स का मतलब उस फॉर्मूले का यूज करके आपको जो है ना उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम लोग नहीं सीखे। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालने की बात करें वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एक नंबर में, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग इसकी बात करेंगे, इसका इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, भले ही ईयर ना लिखे हुए छोड़ो उसको, लेकिन इसी का प्रयोग करके ये सारा क्वेश्चन बनने वाला। तो यहाँ पर सारा ध्यान दोगे हम क्या समझा रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया समझाइए ना। देखो यहाँ पर हमारे सामने तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, सेकेंड कंडीशन है अगर डी लेस देन जीरो हो, थर्ड कंडीशन है डी इक्वल टू जीरो हो। बताओ कि इस तीनों कंडीशन में यहाँ पर कौन सा कंडीशन निकला हुआ है? तो तुरंत बोलोगे भैया यहाँ डी का मान माइनस में निकला हुआ है, अर्थात डी लेस देन जीरो है, ये सेकेंड कंडीशन है। कंडीशन तो समझ जाते हो, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा उस वक्त जो सॉल्यूशन निकलने वाला, जो रूट्स निकलने वाला, वो कैसा निकलेगा रूट्स, उसको समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब जब डी का मान ग्रेटर देन जीरो होगा उस कंडीशन में मेरा दो रूट्स निकलने वाला। कितना रूट्स? वैसे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा दो रूट्स ही निकलता है, आपको पता नहीं है क्या? अरे हाँ पता है, दो रूट्स के अलावा कुछ और ही मैं बताऊंगा, ठीक है। दो रूट्स तो निकलेगा, ठीक, दो रूट्स तो निकलेगा, लेकिन वो रूट्स मेरा रियल होने वाला। रियल समझते हो? रियल नंबर भैया ना समझते हैं, रियल नंबर सुन लो। अच्छा भैया रियल नंबर ना समझते हो, सिंपल समझते हो आप जो है ना, इमेजिनरी नंबर समझ लो। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? सिंपल से जो रूट के अंदर माइनस का टर्म आ जाएगा ना, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो भी टर्म हमारा इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं होगा वो मेरा रियल नंबर होगा। मैंने समझाया हुआ है, जिसको जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो सब हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। वरना इतना समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में ये समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये समझते हैं, समझोगे? सिंपल तरीके से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाना है डिफरेंस ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले ऊपर मिटाते हैं, अब डिफरेंस जानो, रियल नंबर कैसे पहचानेंगे और इमेजिनरी नंबर कैसे पहचानेंगे, पहले इसको समझें, ठीक है। देखिए आपके सामने दो तीन एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है √7, यहाँ पर है √-3, यहाँ पर है √14, यहाँ पर है -1.111, ठीक है। ये है आपके सामने, सुनना है, समझना है, ठीक। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, बहुत प्यारा सा तरीका। वो तरीका क्या है? कोई भी नंबर आपके सामने दिया हुआ रहे, अगर स्क्वायर करने के बाद निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, समझो वो इमेजिनरी नंबर होगा। एक बार फिर से सुनोगे, जैसे हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या करोगे? भैया बस इतना छोटा सा काम पूछना है, स्क्वायर करना है, लीजिए स्क्वायर कर दिया, 36 हो गया। हाँ 36 हो गया, ये अच्छी बात है। लीजिए भैया 5 का स्क्वायर करना, लीजिए 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया, बिल्कुल 25 हो गया, ये तो स्क्वायर कर रहे हो आप। बस मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, आपको पता करना है कि अच्छा मेरा रियल है या इमेजिनरी नंबर है, तो कैसे पता करोगे? सिंपल सा इसका स्क्वायर करोगे और बताओगे यहाँ प्लस है या माइनस है। भैया यहाँ प्लस है, अर्थात अच्छा मेरा रियल नंबर है, ठीक है। अगर रिजल्ट मेरा प्लस में आ रहा तो वो मेरा रियल नंबर होगा, अगर रिजल्ट मेरा माइनस में आ रहा तो वो मेरा इमेजिनरी नंबर होगा। क्या ये समझ में आया? बोलोगे भैया हाँ समझ में आ गया, तो बताओगे कौन रियल है कौन इमेजिनरी है, क्या -1 रियल है या इमेजिनरी नंबर है, ये बताओगे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसका हम स्क्वायर करने वाले, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हमें पता चल जाएगा यहाँ प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, अर्थात ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। बहुत अच्छे। अगेन 3 कौन सा नंबर है? बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये हमारा रियल नंबर है। अगेन √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? भैया √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होगी, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा, अर्थात ये हमारा कौन सा नंबर है, रियल नंबर ही है। तो भैया सब का सब रियल ही नंबर होगा, तो इमेजिनरी नंबर कौन होगा?
क्यों परेशान हो रहे हो बताऊंगा ना। यहाँ देखो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -3 बचेगा। तो यहाँ से ये पता चल गया यहाँ रिजल्ट मेरा माइनस में आ रहा है, अर्थात ये इमेजिनरी नंबर है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। अगेन ये और ये आप खुद बताओ ये कौन सा नंबर है, और हम 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको बताना है कि कौन सा नंबर है, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, जल्दी बताओगे। आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, रूट अंडर -16 रूट अंडर -2 एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2√2 -2√2 अगेन। भैया जी सुनिए ना, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन ना दीजिए हमका बहुत भारी भारी क्वेश्चन चाहिए, इतना भारी क्वेश्चन चाहिए किसी ने सोचा ना हो। अच्छा जी ये बात है, हाँ जी ठीक है, भारी भारी क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। -6√3 जल्दी से, यहाँ 6 क्वेश्चन दिया गया, 6 तो 8 क्वेश्चन सारा खुद से बनाओगे और ये समझने का प्रयास करोगे कौन रियल है कौन इमेजिनरी नंबर है, समझ जाओगे आप। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हाँ हम लोग ये बोल रहे थे अगर डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 0 से बड़ा हो जाए, उस वक्त जो भी रूट्स निकलेगा, आपको ये तो पता है ना, इसे मिटाओ, यहां समझो, यहां समझने का प्रयास करो। कोई सा भी अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax2 + bx + c, ध्यान से समझोगे = 0, ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दो रूट्स निकलने वाला, एक अल्फा एक बीटा, ये हम लोग पॉलीनोमियल में पढ़े हुए हैं। दो रूट्स निकलेगा, हाँ भैया दो रूट्स निकलेगा, ये दोनों रूट्स जो है अब रियल होगा या इमेजिनरी नंबर होने वाला, ये समझने वाले जब डी ग्रेटर देन 0 हो या डी लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में रियल होने वाला, बिकॉज इमेजिनरी नंबर होने के लिए माइनस होना चाहिए और माइनस तभी ना होगा जब मेरा डी का वैल्यू लेस देन 0 हो। समझो ये डी कहाँ होता है, रूट के अंदर डी जाता है, फॉर्मूले में डी कहाँ होता है। अरे मेरी प्यारी बहना समझने का प्रयास करना, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या है -b + √√b² - 4ac/2a होता है ना, और ये b² - 4ac को ही हम लोग डी कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ±√d, बिल्कुल बोल सकते। अब डी तो मेरा रूट के अंदर है ना, अगर सोचो डी का मान ग्रेटर देन 0, यहाँ डी का मान ग्रेटर देन 0 लेते आगे 4 ले लिए 6 ले लिए 7 ले लिए, डी का मान जैसे ही ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये बताओगे ये जो है मेरा ये टर्म जो है ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो तुरंत बोलोगे भैया अभी तुरंत हमको सिखाएं आप √4, ये मेरा रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला, बिल्कुल सही, अर्थात डी ग्रेटर देन 0 में हमेशा मेरा रियल रूट्स होने वाला, यही हम समझाने वाले थे। जब डी लेस देन 0 की बात करेंगे, डी का मान लेस देन 0 हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, माइनस यहाँ 3 आ गया, अब बताओगे ये मेरा रियल होगा या इमेजिनरी नंबर होने वाला, तो तुरंत बोलोगे भैया -√√3 की बात कर रहे हैं ना, इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। पहचानने का तरीका है स्क्वायर करना, ऐसा नहीं सब जगह आप स्क्वायर करते रहना, पहचानना मन में पहचानो, जैसे इसका मन में स्क्वायर करेंगे सिर्फ यहाँ माइनस बचने वाला, अर्थात ये मेरा इमेजिनरी नंबर होने वाला, अर्थात जिसका जिसका डी लेस देन 0 होगा उसका इमेजिनरी रूट्स होने वाला, ठीक है। इसका क्या होगा, दो रूट्स तो निकलेगा, अल्फा और बीटा निकलेगा, लेकिन दोनों का दोनों इमेजिनरी रूट्स होने वाला, 2 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अगेन अगर d इक्वल टू 0 हुआ, अगर d इक्वल टू 0 हुआ, यहां पर 0 आ गया, d का मान 0 हो गया, तो जो भी इसका रूट्स निकलेगा दोनों सेम रूट्स निकलने वाला, ये मजा आएगा, मतलब 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, यहां इक्वल निकल रहा है, ये मेरा डिफरेंट निकलेगा, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है, इसको हम एक बार फिर से लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसको अभी आप जो अपनी नोटबुक में उतारो, जल्दी से उतारोगे इस 3 टर्म को, जल्दी लिख लो आप, ठीक है। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होगा, जब डी लेस देन 0 होगा तो 2 इमेजिनरी रूट्स होने वाला, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स होने वाला, जल्दी से लिखोगे, ओके लिख लिए होगे। अब इसमें से हम लोग इस 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके भैया क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मजा आ रहा है भैया। यहाँ देखो ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लो, हम पूछने वाले हैं, बताओगे डी लेस देन 0 में क्या कंडीशन था, डी ग्रेटर देन 0 में क्या कंडीशन था, जो हम पूछेंगे ना, अगर जवाब नहीं मिला, हाँ जी जवाब नहीं मिला तो क्या ही करेंगे हम, सोच रहे हैं, सोच के बताएंगे क्या करना है हमको। 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -9x² - 9x² फिर है आपका -3x
माइनस थ्री एक्स, फिर है आपका प्लस वन इक्वल टू जीरो, प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारे सामने बहुत प्यारा सा इक्वेशन आ चुका है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपल सा, हम लोग फिर से इक्वेशन लिखने वाले नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि अभी से आपके अंदर लैंग्वेज लिखने का आदत डाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर वही लैंग्वेज सेम टू सेम लिखना है। गिवन द इक्वेशन, गिवन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां पर जो है a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, वो बताओ। a का मान माइनस नाइन है, b का मान माइनस थ्री है, c का मान प्लस वन है। ओके, अब सिंपल सा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले हैं और बताएंगे रूट्स कैसा होने वाला है, रियल रूट्स होने वाला या इमेजिनरी रूट्स होने वाला, ये बताने वाले हैं। सिंपल सा, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डी का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता, बी का मान क्या ही है, माइनस थ्री है, तो बी की जगह हम लोग माइनस थ्री पुट करेंगे। ए का मान क्या है, नाइन है, तो ए की जगह माइनस नाइन पुट करेंगे। सी का मान क्या है, एक है, सी का मान हम लोग एक पुट करने वाले। अरे हमको तो मैथ के साथ, अच्छा छोड़ो, अभी हाइड एंड सीक गेम का समय नहीं है, अपना काम करेंगे हम लोग। तीन तीन नौ माइनस चार गुना नौ गुना एक कितना होगा, छत्तीस होगा, माइनस गुना माइनस प्लीस होने वाला, ठीक है भैया, नौ सौ पंद्रह पैंतालीस होने वाला। यहाँ पर बताओगे डी का मान क्या ही निकल रहा, तो तुरंत आपके मुख से जोर जोर से आवाज निकलेगा, भैया यहाँ पर मेरा डी का मान ग्रेटर देन जीरो है, देयरफॉर। आप बोलिएगा क्या होगा, मैंने क्या कंडीशन लिखाया था, तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर इसका जो रूट्स निकलने वाला, दोनों का दोनों रूट्स जो है वो रियल रूट्स होने वाला। कैसा रूट्स होने वाला, रियल रूट्स होने वाला। जो और वहां पर एक और वर्ड का यूज किए थे, डिफरेंट, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो वहां पर मतलब डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, समझिएगा। रियल रूट्स में आपका दो कंडीशन आया था, एक कंडीशन था आपका इक्वल वाला कंडीशन, जिसमें आपका डी इक्वल टू जीरो होता था इक्वल वाले कंडीशन में, बिल्कुल सही। और ये एक कंडीशन था आपका डिफरेंट वाला कंडीशन, डिफरेंट में आपका डी ग्रेटर देन जीरो होता था, दोनों का दोनों रियल रूट्स ही था, ये समझना है। और इमेजिनरी रूट्स में सिर्फ एक ही कंडीशन था, इसलिए सिंपल सा से बोलना है टू इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। कहीं कहीं आपके एग्जाम में रहेगा नो रियल रूट्स, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, नो रियल रूट्स का मतलब वो इमेजिनरी रूट्स की बात की जा रही है, ठीक है, ये समझो। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, लगभग तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, देखो है ना। इक्वल रूट्स मतलब आपका इक्वल वाले कंडीशन में जाएगा, अर्थात डी इक्वल टू जीरो लेना है आपको। यहाँ देखो इक्वल रूट्स की बात की है, मतलब डी इक्वल टू जीरो लेना है। यहाँ पर नो रियल रूट्स बोला गया है, आपको जो है डी लेस देन जीरो लेके चलना है। देख लो कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसको समझने का प्रयास करना है। ओके, मेरे ख्याल से आप हर एक बात को समझ रहे हो और बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अगेन यहाँ देखोगे हम इतना कुछ सीख चुके हैं, मेरा इच्छा कर रहा है कुछ और क्वेश्चन दे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए और ये पता करने के लिए कि रूट्स कैसा होने वाला। जैसे अभी हम लोग रूट्स के बारे इसका रूट्स की चर्चा नहीं किए, यहाँ लिखोगे यहाँ लिखना है डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक इट हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स, अब आपको ये टर्म भी लिखना होगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो इसको समझना है, इसको याद कर लेना, दो चार क्वेश्चन और देते उसको बनाओगे, मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन बन गया होगा और दिखाओगे। जो क्वेश्चन मान लो सॉल्यूशन हम नहीं किया, कम से कम उसमें स्टार दे दो ना, हम जब चेक करेंगे ना पता चलेगा हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया था, तो उसको बेहतर तरीके से देखना है। ऐसे सब मिला हुआ होता, अब किसका सॉल्यूशन मैंने करवाया किसका नहीं करवाया इतना ध्यान में रहता नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करना, उस क्वेश्चन के आगे से यहाँ पे स्टार लगा दो, यहाँ स्टार लगा दो जिसका हम आंसर नहीं निकाले हो, जिसका आप खुद से आंसर निकालो, बिकॉज आप गलती बहुत ज्यादा करते हो, उस गलती को पहचानना है, बताना है हाँ यहाँ गलती कर रहे हो। गलती कैसे बताएंगे, जब आप स्टार मार्क्स लगाओगे हम थोड़ा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको आज से स्टार लगा देना है वहां पर, ओके जी। यहाँ देखो दो चार क्वेश्चन और देंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन देने वाले, उसको आप बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ये आपके सामने बहुत प्यारा सा इक्वेशन है, ध्यान से इक्वेशन को बनाइएगा। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, अगेन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, अगेन 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 टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अगेन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, हाँ जी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक लास्ट क्वेश्चन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इस सब का आपको बताना है। हाँ जी, सब के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखना है और बाद में ये बताना है d का मान लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। ये कंडीशन लिखने के बाद आपको लिखना है इसका डिफरेंट रूट्स है या रियल रूट्स है, ये आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद ही जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको करना है। मतलब यहीं पे आपको अपनी गाड़ी रोक लेनी है, बिकॉज आगे जो समझाएंगे उसके लिए ये आपका समझना बेहद जरूरी है। इसलिए इसको पहले बनाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और ये निकालने का प्रयास करोगे कि इसका डिफरेंट रियल रूट्स है या इक्वल रियल रूट्स है या फिर आपका इमेजिनरी अर्थात नो रियल रूट्स है, ये आपको लिखना है। ठीक है, मतलब इट हैज टू इमेजिनरी रूट्स या हैज टू नो रियल रूट्स, ये भी आप लिख सकते हो। आपके एग्जाम में नो रियल रूट्स दिया हुआ है तो नो रियल रूट्स लिखो, वरना इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। जल्दी यहाँ तक पहुँचोगे। हम लोग रुक रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं आपके लिए। जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देखने वाले, बस इस क्वेश्चन को देखेंगे, मजे करना। इसमें से आपका एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देने वाले हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन छूट जाएगा वो आप बनाओगे। कोशिश करो ट्राई करने के लिए, हम ट्राई करने के आपको एक क्वेश्चन दे ही देंगे इस तरह, बिकॉज प्रयास करना है आपको घर में भी। ठीक है, यहाँ देखो, आज से आपका क्विज भी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्विज में क्या होगा, तीन क्वेश्चन देंगे, कहीं से भी तीन क्वेश्चन देंगे और देखेंगे क्या आपका पीछे रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई सा तीन क्वेश्चन देने वाले और ये चेक करने वाले कि आपके पीछे का भूले तो नहीं हो, वो तीन क्वेश्चन देने वाले। मेरे मन में पता नहीं इच्छा आया कि आप, मुझे लगता है कि सेवन क्वेश्चन से आपका ठीक से रिवीजन नहीं हो रहा है, तो हम भी स्टार्ट कर दे तीन तीन क्वेश्चन का क्विज। भैया तीन क्वेश्चन का क्विज, वो क्या होता है क्विज, पता चलेगा क्या होता है क्विज। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये हाजिर रहा। यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन को पहले आप उतार लोगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन क्या कहा गया पहले वो देखेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, करेंगे फाइंड के का वैल्यू। फिर बोला गया फॉर विच द इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल रूट्स, इसके पास इक्वल रूट्स है। अच्छा, समझ में आ गया भैया हमको के का मान निकालना है। रैन दीजिए ना, बना लेंगे भैया, क्या ही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनने वाला। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ही करेंगे, उसको समझने का प्रयास करते। यहाँ पर हम लोग के सामने क्या इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते। तो गिवन इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन क्या है, गिवन द इक्वेशन, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ हम सॉल्यूशन करें सीधा। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब यहाँ सॉल्यूशन देखो, हमको इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 25 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन को लिख लिए, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है, उसको लिखेंगे। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू के है और सी का वैल्यू 25 है। आराम से हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ इसके पास इक्वल रूट्स है, तो लिखेंगे नाउ इट हैज इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट्स। अगर इसके पास इक्वल रूट्स होगा तो उस कंडीशन में क्या ही हम लोग टर्म देखे थे, तो भैया उस कंडीशन में हम लोग एक टर्म देखे थे, प्यारा सा टर्म था, इक्वल रूट्स तभी होता है जब डी अर्थात डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए, अर्थात देयरफॉर मेरा डी जो है बराबर जीरो हो जाएगा। और डी का फॉर्मूला क्या होता, सिंपल सा फॉर्मूला होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्यारा सा फॉर्मूला होता इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करेंगे के स्क्वायर माइनस 4a का मान पुट करेंगे 4, सी का मान पुट करेंगे 25 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग के स्क्वायर बराबर एक काम करेंगे, सबको बराबर की उस तरफ भेज देंगे, सब मल्टीप्लाई मत कर देना, बिकॉज रूट निकालने वाले हो, स्क्वायर को अलग करना है, रूट निकालने वाले हो, फिर से तो आपको प्राइम फैक्टर करना ही पड़ेगा, फिर क्यों ही मल्टीप्लाई करना, बेवजह टाइम बर्बाद होगा आपका। इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे, ये पूरा टर्म अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई करोगे ये सब मिल करके एक टर्म बन जाएगा। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस सारे टर्म को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, ये अभी मेरा माइनस सिंबल है सबका, तो इस सबको उधर ले जाएंगे तो प्लस में सिंबल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 4 × 4 × 25 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे, k का मान आपका निकल जाएगा, और हम जानते हैं स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस के फॉर्म में रिजल्ट आता है, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ भैया पता है हमको, अब सिंपल सा रूट के अंदर 4 है मल्टीप्लाई 4 है और 25 है, किसका किसका पेयर बन रहा है, भैया इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उससे मतलब ही नहीं रखना, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। 25 का पेयर नहीं बन रहा तो 25 का हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले, तो 5 और 5 का टर्म आया, तो हम लोग 25 की जगह पर लिखने वाले k इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ 25 का मान पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, इसका पेयर बन चुका है, इसका पेयर बन चुका है, जिसका पेयर बन गया उसके बदले में एक बार बाहर निकाल देना है 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 20, अर्थात मेरा यहाँ वैल्यू प्लस 20 और माइनस 20 निकला। यहाँ लिखेंगे
द वैल्यू ऑफ के, देयर फोर द वैल्यू ऑफ के, नीचे दिख रहा है कि ना दिख रहा, नीचे ना दिख रहा, चलो छोड़ो ना, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू, भैया जी फिर लिख कर रहे हैं आप, अच्छा कोई नहीं, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 20 और माइनस 20, आपको ये लिख लेना है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व होगा, देखो तो, हाँ भैया खुद से सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है बना लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा ना, ठीक है बन जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। पहले इसके पहले ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से आप बनाओगे, एक बार फिर से क्वेश्चन उतार लो और क्वेश्चन को बिना देखे, मतलब आंसर बिना देखे यहां से लेकर यहां तक बनाओगे, आपको समस्याएं कहां आ सकती है, समस्याएं कहां, हाँ इसमें समस्या आ सकता, ये आपको याद नहीं होगा कि डी का वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ये कंडीशन आपको याद नहीं होगा कि अगर इक्वल रूट्स होता है तो क्या कंडीशन होता है, डी इक्वल टू जीरो होता है या डी लेस देन जीरो होता है या डी ग्रेटर देन जीरो होता है, ये दो टर्म में आप परेशान हो सकते हो, बाकी सॉल्यूशन में परेशान हो सकते हो, और हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जितना हम जानते हैं यहाँ यहाँ आपको समस्याएं आ सकती हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं है जो आपको समस्याएं आए। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को लिखोगे आप और क्वेश्चन पढ़ोगे आप 5 से 6 बार, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये विचार करोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हम क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं तो बनाएंगे क्वेश्चन को खुद से। भैया जी वैसे हमको पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम यही कंडीशन होगा, सिर्फ यहाँ इक्वेशन चेंज होने वाला, और इक्वेशन चेंज होने के बाद भैया आपका यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है आपका बोलिएगा, कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है नो रियल रूट्स का कंडीशन, नो रियल रूट्स में भैया आप डी लेस देन जीरो बताए हुए हैं, वही कंडीशन चलने वाला है, ठीक है तो खुद से बनाओगे ये बताते यहाँ से समझो, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3ax² - 6x + 1 = 0, ये हमारे सामने इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देखेंगे, निहारेंगे, टुकुर टुकुर ताकेंगे, इस क्वेश्चन में ए बी सी का मान क्या है, 3a है, b का मान -6 है, c का मान 1 है, बस इतना सा ही काम करते और क्या ही करते। यहाँ देखोगे इतना कुछ करने के बाद हमको ये देखना है, हमारे प्यारे से क्वेश्चन में ये बोला गया नो रियल रूट्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ आपको बोलना है इट हैज नो रियल रूट्स, जब रियल रूट्स है ही नहीं तो हम क्या ही करेंगे, सिंपल सा एक काम करें, जब रियल रूट्स नहीं है तो प्यारा सा एक काम करना है, दुलारा सा एक काम करना है, नन्ना मुन्ना एक काम करना है, क्या ही काम करना है, रियल रूट्स नहीं होता है इस कंडीशन, मेरा प्यारा सा टर्म होता है डी लेस देन जीरो, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यही आपको समस्या हो सकता है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, अभी उस दिन बोलते हैं फॉर्मूला याद कर लेना, इतना बोलने के बाद भी आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो, बहुत गलत करते हो। यहाँ देखो बी का मान क्या है, -6 ना, क्या पता फॉर्मूला याद कर लिए हो, पूछ लेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमें पूछने में डर नहीं, देर थोड़ी लगता है, डर तो नहीं लगना चाहिए। यहाँ देखो हाँ ए का मान क्या है, 3a हो गया, अगेन सी का मान क्या है 1, अगेन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए देखिए, हाँ सॉल्व किए ही देते हैं, आप भी क्या देखोगे कि भैया कितने अच्छे हैं जो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, सही में छोड़ दे क्वेश्चन, यहाँ पर -6² 36 हो गया, माइनस सब पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो 4, 3, 1, ए का ए बस, और क्या है ये लेस देन जीरो, यहाँ से एक काम करेंगे हम लोग -12a = -36 यहाँ लेस देन है ना, हाँ जी अब ये समझो समझने का प्रयास कीजिएगा, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, -4 ऐसे समझो सिर्फ एक ही यही कंडीशन है जो चेंज रहता है इक्वेशन में, -4 = -3 रहेगा, अच्छा -a रहेगा, तो आप सिंपल सा a कैंसिल आउट कर देते हो, कहीं कोई डाउट नहीं होता, सिंबल कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बस इसी कंडीशन में सिंबल चेंज होता है, बाकी सब कुछ सही रहता है, बाकी आप 12 को उधर ले जाओ इधर लाओ जितना करना है करो, 20 में लेस देन है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उस कंडीशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आपको यहाँ अपना संपूर्ण समर्पण देना है। देखो यहाँ पर हम लोग -1, 0, 1, 2, -2, -3, हम लोग ये बताओ -2 और -1 में छोटा कौन है ये बताओगे आप, तो बोलो भैया जो संख्या जितना बाएं तरफ होता वो उतना स्मॉलर होता है, तो यहाँ -2 और -1 की बात की जा रही है तो -2 बहुत छोटा होगा, हाँ जी जैसे ही ये माइनस सिंबल हटाएंगे ना, जैसे माइनस सिंबल हटाएंगे आप बताओ 2 और 1 में ग्रेटर देन कौन है, तो आराम से बोलोगे भैया ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा आपका,
माइनस काटने के बाद सिंबल भी चेंज होता है, ये सबसे प्यारा टर्म है। आप नोटबुक में नोट डाल के इस चीज को लिख डालोगे, नोट देख लिखना है माइनस ए बराबर माइनस सिक्स, बराबर मत देना, माइनस ए लेस देन माइनस सिक्स, माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका ए ग्रेटर देन सिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यही इस तरह लिख के यहाँ लिख दोगे, ए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बस इसको लिख दो ना, आपको हमेशा ध्यान नहीं रहेगा और हम पूछेंगे भी आपका। ठीक है, ये पूछते रहेंगे, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक, यहीं पर गलतियां काफी होती हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है गलती करते हुए यहाँ पे। ओके भैया, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस माइनस को जैसे हम खत्म करेंगे ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा, 12a ग्रेटर देन 36 हो गया। अगर यहाँ पे 12 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो मेरा डिवाइड होगा, सिंपल सा, बाकी बस यही चेंज होता है, बाकी सब कुछ इक्वल के, मतलब इक्वल में जितना काम कर, जैसे जैसे इक्वल टू में आप वर्क करते हो सारा वर्क उसी प्रकार करना है, सिर्फ आपका इसी में चेंज होने वाला, माइनस को काटेंगे तो मेरा ये सिंबल चेंज होता है। ठीक, 12 / 36 अर्थात ए का मान जो भी निकलेगा वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, ये वैल्यू कहा गया है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए क्या निकल गया, ए ग्रेटर देन 3, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन 3, बस इतना सा कर देना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या ना रहा होगा, बस इसी प्रकार बनाते हैं। आपको 5-6 क्वेश्चन और देंगे, लेकिन उससे पहले हाँ, आपको आपका क्विज ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन क्विज का दे रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को बनाओगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्वेश्चन को। ठीक है, और आज यहीं तक रखें क्या, आज यहीं तक रखते हैं, आज आपके सामने ढेर सारा टर्म आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, उसको कंप्लीट करोगे, ये 3 टर्म को याद करोगे, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और इक्वल रूट्स, इसको याद करने के बाद आपको जो है सिंपल सा इस प्रकार के क्वेश्चनों किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसको समझ में रखना है। और 3 क्वेश्चन दे रहे हैं क्विज वाला, उसको बना के दिखाना है, देखते हैं आपको 3 में से कितना मार्क्स आता है। ओके, ठीक है भैया, देखते हैं कितना मार्क्स आपको आता है 3 में से। ना ना, 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप बनाओगे 6x प्लस 4y इक्वल टू हाँ इक्वल टू माइनस 6, अगेन 3x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको आपको जो है ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे आसान ही क्वेश्चन बोलोगे इसको, कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूले को आपको लिखना है। ओके, फॉर्मूले को लिखना है आपको, आपको बताना है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में ऑप्शन देते हैं आपको, मौखिक बोल देते हैं ऑप्शन, आपको खुद से लिख देना है। इसमें लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोइंसिडेंट होगा या फिर आपका जो है पैरेलल होगा। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में इसको एक ऑप्शन यहाँ पुट करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बनेगा आपसे, कहीं कोई समस्या ना रहेगा। ठीक है भैया, बनाएंगे, देखते हैं क्या होता। इस तीनों में कौन कौन सा क्या होगा वो समझना है, इसमें कौन आपका इंटरसेक्ट करने वाला, कौन आपका कोइंसिडेंट होने वाला, कौन आपका पैरेलल होने वाला, इसको समझना है। ये 3 क्वेश्चन बनाना है और दिखाना है भैया, यहाँ लिख देना, लेकिन ऊपर में क्विज हमें ध्यान में आ जाएगा, हाँ यही क्विज का क्वेश्चन है, और डेट डाल देना। ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा, इसको बनाओगे समझ में अच्छे तरीके से आने वाला, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आज से क्लास आया होगा, उम्मीद करते हैं कल भी आप परफेक्ट स्क्वायर को बेहतर तरीके से सीखोगे। भले ही कल हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पर बहुत कम क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाए थे, हमें लगा था आप समझ गए हो, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप परफेक्ट स्क्वायर को नहीं सीखे हो, मुझे आज सिखाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, देख लेते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना सा काम करो, हम लोग कल सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना विद फॉर्मूले के साथ। ओके, हम तो सोचे थे आज ही सिखाएं, लेकिन नहीं, आज नहीं कल सीखेंगे। जैसे ही कल क्लास हुआ तो समझो खत्म, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे आपने सोची ना होगी। ठीक, चलो मिलते हैं अगले क्लास में।